हेलो ऑल, मैं हूं डॉक्टर केशव काळे और मैं औरंगाबाद में केबीसी यानी काळेज बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ाता हूं 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। आज हमारा ये सेकेंड टॉपिक पे फर्स्ट लेक्चर है और टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इससे पहले हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट किया है, अब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये टॉपिक देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। टॉपिक के नाम में दो वर्ड्स है, लोकोमोशन एंड मोमेंट। तो पहले बात करूंगा मैं ये सेकेंड वर्ड पे कि मोमेंट क्या होता है। तो मोमेंट यानी हलचल, अपने ज्या हालचाली असतात त्याला मोमेंट असं म्हटलं जातं। और ये जो मोमेंट होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब क्या, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स मोमेंट नहीं कर सकते और सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मोमेंट करते हैं, अलग अलग टाइप के मोमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें हम अमीबा की या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या उस सेल में ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की एबिलिटी होती है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और बाकी सारे ही सेल में साइटोप्लाज्म को मूव करने की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एबिलिटी होती है। तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज अ एग्जांपल ऑफ सिंपल मोमेंट। सिंपल मोमेंट का ये एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट होते हैं, जैसे कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे ये जो लिप है, टंग है, मेरा हाथ है, ये सारे मोमेंट कर रहे हैं। मोमेंट्स एनिमल में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं और बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोमेंट होते हैं। तो कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का लोकस या लोकेशन चेंज होता है। द मोमेंट विच रिजल्ट्स इन चेंज इन लोकस और पोजीशन ऑफ बॉडी और द मोमेंट विच डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। लोकोमोशन जो कि टॉपिक का फर्स्ट वर्ड है। लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन एक ऐसे टाइप की मूवमेंट है। देखो अभी मेरा यहां पे हाथ जो है वो मूव कर रहा है, मेरा लिप्स मूव कर रहे हैं, टंग मूव कर रहा है, लेकिन इससे मेरी बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती। लेकिन जैसे ही मेरे पैर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले या फिर वापस आए, तो इससे मेरे बॉडी का जो लोकस या लोकेशन है वो चेंज हो रहा है, मेरी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। तो इस मोमेंट, पैरों की मोमेंट की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो रही है और इस मोमेंट को कहा जाता है लोकोमोशन। लोकोमोशन चेंजेस दी लोकस ऑफ बॉडी। बॉडी का लोकस चेंज करता है, बॉडी को डिस्प्लेस करने वाली मोमेंट को लोकोमोशन कहा जाता है। तो देखो मोमेंट मतलब हलचल जो कि हर कोई कर रहा है, पेड़ पौधे इंसान बाकी जानवर सारे ही मोमेंट कर रहे हैं। उन मोमेंट में से जो मोमेंट्स बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं उन्हें लोकोमोशन कहा जाता है। लोकोमोशन कहा जाता है। तो अब इस पर एक सेंटेंस है एनसीईआरटी में जिस पे क्वेश्चन भी बनता है, सेंटेंस उल्टा करके वो सही या गलत पूछते हैं। सेंटेंस क्या है? ऑल द लोकोमोशंस आर मोमेंट्स बट ऑल द मोमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सारे ही लोकोमोशन मोमेंट है, मोमेंट्स का टाइप है, बट सारे ही मोमेंट्स लोकोमोशन नहीं है। क्योंकि अब मैं जब चलता हूं तो मेरे पैरों की मोमेंट होती है, तो पैरों की जो मोमेंट है वो लोकोमोशन है, लेकिन मेरे हाथ जो यहां पे ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये सिर्फ मोमेंट है, ये लोकोमोशन नहीं, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसलिए सेंटेंस क्या है? ऑल दी लोकोमोशंस आर मोमेंट्स। ऑल दी लोकोमोशंस आर मोमेंट्स बट ऑल दी मोमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। सारे ही मोमेंट जो है वो लोकोमोशन नहीं होते हैं, लेकिन सारे लोकोमोशंस मोमेंट होते हैं। अब लोकोमोशन के एग्जांपल क्या है? लोकोमोशन के एग्जांपल जैसे कि
रनिंग जिसमें बॉडी डिस्प्लेस होती है, वॉकिंग चलने से बॉडी डिस्प्लेस होती है, पानी में लोकोमोशन के लिए स्विमिंग करना पड़ता है, पेड़ पर या फिर किसी भी जगह पे क्लाइंबिंग करना भी लोकोमोशन का ही टाइप है, बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं वो फ्लाइंग भी लोकोमोशन का टाइप है, ऐसे क्रिपिंग लोकोमोशन का टाइप है। तो लोकोमोशन जिस किसी एक्टिविटी में, जिस किसी मोमेंट में बॉडी का पोजिशन चेंज होगा, बॉडी डिस्प्लेस होगा, उसे लोकोमोशन कहा जाता है। जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एंड बाकी बहुत सी चीजें, क्रिपिंग जैसी। अब लोकोमोशन जो है वो डिपेंड करता है हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, और द मोड ऑफ लोकोमोशन डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डिमांड्स। उसकी डिमांड क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, वो जरूरतों पे वो डिपेंड करता है, और वो रहता कहां है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि दोनों वर्ड कैसे यहां पे यूजफुल है या हेल्पफुल है लोकोमोशन में, या दोनों वर्ड्स कैसे, या हैबिटेट और डिमांड ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे लोकोमोशन का मेथड या मोड डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक टाइगर है सपोज, तो टाइगर कहां पे होता है, पानी में होता है आमतौर पर, रूटीनली। मतलब टाइगर टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है, तो इट इज टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल तो जमीन पे स्विमिंग करेगा क्या, नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो एक तो रनिंग करेगा या वॉकिंग करेगा, दोनों में से, मतलब ये दो ऑप्शन है उसके पास, या तो वो रनिंग कर सकता है या वॉकिंग कर सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड हुआ, ये हैबिटेट पे डिपेंड हुआ कि वो रहता कहां है, वो जमीन पे रहता है, पानी में नहीं रहता, हवा में नहीं उड़ने वाला है, इसलिए उसके लिए ये तीनों ऑप्शन नहीं है। रूटीनली, रेगुलरली आप ये नहीं कह सकते कि टाइगर को पानी में फेंक दो तो वो ऑब्वियसली स्विम करेगा, लेकिन रूटीन या फिर नेचुरली उसका हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। तो वो जब जमीन पे होगा, जब उसके खुद के हैबिटेट में होगा, तो वो एक तो रनिंग करेगा या वॉकिंग करेगा। हाँ, अब उसी टाइगर को आपने पानी में फेंक दिया, उसका हैबिटेट चेंज हो गया, थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, उसको अगर पानी में फेंक दिया तो रनिंग वॉकिंग करेगा क्या, नहीं, उसका मोड ऑफ लोकोमोशन चेंज हो जाएगा स्विमिंग पे। देन डिमांड, उसकी डिमांड क्या है, सपोज अब टाइगर को कोई शिकार पकड़ना है, किसी शिकार को उसको पकड़ना है, तो ऐसे चलते चलते जाएगा और शिकार वहां पे खड़ा है कि भाई आ और पकड़ ले, इस तरह से शिकार होगा क्या। तो वहां पे जब उसकी डिमांड जो है, वो डिमांड शिकार करना है, तब वॉकिंग ये उसका मोड ऑफ लोकोमोशन नहीं होगा, तब उसका मोड ऑफ लोकोमोशन क्या है, रनिंग है। अब शिकार कर रहा है, भाग रहा है, वो सामने वाला शिकार किसी पेड़ पर चढ़ जाए, तो कई बार आप डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल्स पे देखते हो कि टाइगर भी भागते भागते पेड़ पर क्लाइंबिंग कर लेता है। तो डिमांड के हिसाब से और हैबिटेट के हिसाब से मोड ऑफ लोकोमोशन जो है, वो मोड ऑफ लोकोमोशन चेंज होते हैं। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकोमोशन, हलचल करने का सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, मोमेंट लोकोमोशन की वजह से क्या इंपॉर्टेंस क्या एडवांटेजेस उस ऑर्गेनिजम्स को मिलते हैं। तो पहला, फिर से अपना वही टाइगर लेते हैं, और सपोज अब टाइगर किसी मॉर्निंग को सुबह सुबह बाहर निकलता है उसके घर से, बाहर निकलने के बाद अब उसको भूख लगी है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा खाना, और टाइगर का खाना मतलब वो कार्निवोर्स है तो कोई जानवर ही होगा, तो उसे किसी जानवर की शिकार करनी है। तो अब वो टाइगर सपोज बाहर निकला है और उसे सामने ही रैबिट दिख रहे हैं दो तीन, तो टाइगर क्या करेगा, चलते चलते जाएगा और रैबिट उठा लेगा क्या, नहीं, वो टाइगर उनके पीछे भागेगा और भाग के किसी एक रैबिट को पकड़ लेगा और खा लेगा। तो ये जो भागना है, रनिंग है, ये लोकोमोशन है, और इस लोकोमोशन की वजह से, इस टाइगर को फूड मिल गया, मतलब फाइंडिंग ऑफ फूड। अब टाइगर जो है, टाइगर भागा, उसे खरगोश मिल गया, उसने खरगोश खा लिया। अब खाने के बाद क्या चाहिए, पानी चाहिए ऑब्वियसली, तो टाइगर तो कोई वाटर बॉटल लेके तो नहीं भाग रहा होगा, ऐसे गले में वाटर बॉटल लेके भाग रहा है, फिर वहीं पे खाना खा लिया और उसके बाद तुरंत पानी तो नहीं पिएगा वो, उसको पानी की सर्च में, तलाश में, और किसी दूसरी जगह पे जहां पे पानी है, तालाब है, नदी है, वहां पे जाना पड़ेगा, एक तो चलते हुए या भागते हुए। तो चलना या भागना क्या है, लोकोमोशन। तो जानवरों को
एक सर्च ऑफ फूड, दूसरा सर्च ऑफ वॉटर, सर्च ऑफ वॉटर पानी की तलाश में वो जाते हैं और वहां पे पानी उनको मिलता है उस सोर्स से, तो ये पॉसिबल है लोकोमोशन की वजह से। हाथी जो होते हैं, हाथी हाथी किस चीज के लिए फेमस है? एक तो हाथी की फैमिली बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ग्रुप में रहते हैं हाथी, और दूसरी एक चीज हाथी की जो मेमोरी है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब ऐसा होता है हाथियों में कि हजारों किलोमीटर दूर भी पानी का सोर्स है, एक तो उनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि वो ग्रुप में रहते हैं और बॉडी टेम्परेचर या बाकी चीजें एडजस्ट करने के लिए भी उनको पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो ये हाथी जो है उनको हजारों किलोमीटर के रास्ते याद रहते हैं, जब वो जहां पे रहते वहां पे पानी नहीं मिलता है तो उनको पहले वो छोटे जब थे या फिर उनके पेरेंट्स जहां पर लेके गए थे 10 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले एक बार या दो बार, ऐसे हजारों किलोमीटर के रास्ते ट्रैवल करके वो पानी की तलाश में जाते हैं। इतनी स्ट्रांग मेमोरी उनकी होती है, 5-6 साल बाद भी वो याद करते हैं। आपको सिर्फ 2 साल का कॉन्टेंट याद करना है, उसी पे नीट होने वाला है, जो भी हर बार रिपीटेडली रिवाइज होगा, रिपीटेडली जिसपे एग्जाम होंगे, ये सिर्फ 2 साल का कॉन्टेंट याद करना है और जिसपे मेडिकल की सीट मिलेगी आप लोगों को। तो यही पे याद कर लो, फूड और वाटर। अब उसको खाना मिल गया, दूसरा पानी मिल गया, अब उसको आराम करना है। तो आराम करना है तो उस तालाब में तो नहीं जाएगा क्योंकि वहीं पे सो गया तो कोई दूसरा जानवर उसकी शिकार कर लेगा, तो वो किसी सेफ या महफूज जगह पे जाएगा और वहां पे वो आराम करेगा टू फाइंड द शेल्टर। शेल्टर ढूंढने के लिए फूड की तलाश में, वाटर की तलाश में जो जानवर घूमते हैं, शेल्टर एक सेफ जगह ढूंढने के लिए। देन मेटिंग पार्टनर फॉर द रिप्रोडक्शन एंड सेफ मेटिंग ग्राउंड्स, ये भी लोकोमोशन की ही, टू फाइंड द सुटेबल मेट एंड मेटिंग ग्राउंड्स, टू फाइंड द सुटेबल मेट्स एंड मेटिंग ग्राउंड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी लोकोमोशन से ही पॉसिबल है। अब जंगल है, जंगल में अचानक आग लग गई, जंगल में अचानक आग लग गई तो जानवर क्या करेंगे? उस जंगल से भाग के जहां पे सेफ एनवायरमेंट है उस सेफ एनवायरमेंट में वो जाएंगे। तो टू फाइंड द फेवरेबल कंडीशंस एंड टू अवॉइड और टू एस्केप फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल जंगल है, जंगल जल रहा है, आग है वहां पे, तो ये अनफेवरेबल हो गया उनका एनवायरमेंट। उस अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन में माइग्रेट होने के लिए टू एस्केप फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस एंड टू फाइंड द फेवरेबल वन। फेवरेबल कंडीशंस ढूंढने के लिए जंगल में बाढ़ आ गई, किसी नदी के किनारे जंगल है तो नदी से पानी पूरा बाढ़ की वजह से जंगल में घुस गया, तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो अब वहां से एक तो मर जाएंगे, 2 choices है उनके पास, एक तो मर जाएंगे या फिर माइग्रेट होंगे। तो माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि लोकोमोशन है, प्लांट्स नहीं कर सकते हैं, एनिमल कर सकते हैं, तो ये माइग्रेट हो जाते हैं। टू फाइंड द फेवरेबल कंडीशन। और एक बात मैंने कहा था, सुबह सुबह शेर जागा है, बाहर निकला है, सामने उसके रैबिट है, उन रैबिट्स खरगोशों के पीछे वो भागा है, भागने के बाद शेर ने खरगोश पकड़ा है। ये अगर हम शेर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मैंने कहा था 3 रैबिट है उसमें से एक पकड़ा, ऐसा मैंने कहा था। तो अगर हम शेर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो शेर को खाना मिल रहा है बिकॉज ऑफ क्यू, क्योंकि वो भाग रहा है यानी लोकोमोशन कर रहा है। अगर यही इसी पॉइंट को, इसी स्टोरी को हम रैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे 3 रैबिट थे, पकड़ा कितना गया? 1। उसमें से जो 2 बच गए वो जो पकड़ा गया उससे तेज भागे होंगे या अलग डायरेक्शन में भागे होंगे। तो 3 रैबिट भागे थे, उसमें से 2 बच गए, वो बचे क्यों? क्योंकि वो भागे हैं, और भागना क्या है? लोकोमोशन है। तो तीसरा टू एस्केप और टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स, शिकारियों से बचने के लिए या उनके जो एनिमीज होते हैं वो एनिमीज से बचने के लिए भी लोकोमोशन हेल्पफुल है। मतलब टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो खरगोश का पकड़ना यानी लोकोमोशन का सिग्निफिकेंस क्या होगा? फूड की सर्च, फूड की तलाश में या फूड कैप्चर करने के लिए। और वहीं पे अगर खरगोश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो प्रेडेटर
या एनिमिस से भागने के लिए ये लोकोमोशन का सिग्निफिकेंस है। तो फिर से देखते हैं, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है लोकोमोशन एंड मोमेंट। टॉपिक के नाम में दो वर्ड्स है, दोनों भी सिग्निफिकेंट है। मोमेंट मीन्स हलचल, हालचाली, उठने बसने बोलने डोळ्यांची उघड झाप या सगळ्या हालचाली आहेत। या हालचालींपैकी ज्या हालचालींमुळे बॉडी एका जागेवरून दुसऱ्या जागी डिस्प्लेस होते याला म्हणतात लोकोमोशन, म्हणजे स्थलांतर मराठीमध्ये स्थलांतर। तो मोमेंट इज द डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मोमेंट होता है। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में? सारे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मोमेंट करता है। जैसे कि कोई एक सिंगल सेल से बना अमीबा है तो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करता कर सकता है वो सेल। दिस इज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये सिंपल टाइप का मोमेंट है। और भी कई कॉम्प्लेक्स टाइप के मोमेंट होते हैं, जैसे कि इस वक्त मैं बात कर रहा हूं तो मेरे टंग है, वोकल कॉर्ड्स है, लिप्स है, ये सारे मोमेंट कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स हुआ मोमेंट। नाउ जिस मोमेंट में बॉडी डिस्प्लेस होती है उसे लोकोमोशन कहा जाता है, जैसे कि रनिंग है, वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, कोई भी ऐसा एक्ट जो बॉडी को डिस्प्लेस कर दे। लोकोमोशन का जो तरीका है, द मोड ऑफ लोकोमोशन इज डिटरमाइंड बाय द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहां पे रहता है एंड डिमांड, उसकी जरूरतें क्या है। जैसे कि कोई खरगोश है वो चल रहा है आराम से, तो क्योंकि उसको कुछ थ्रेट नहीं है आसपास तो चल रहा है, तो चलना क्या है? लोकोमोशन है। लेकिन अब उसको ऐसा समझ में आता है कि उसके पीछे कोई शेर खड़ा है या दूसरा कोई शिकारी खड़ा है, तो खरगोश आराम से चलता नहीं रहेगा, वो भागने लगेगा। उसका मोड ऑफ लोकोमोशन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो क्यों चेंज हो गया? क्योंकि उसकी अब डिमांड बदल गई। अब उसको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, अब उसको खुद की लाइफ को बचाना है किसी प्रेडेटर से, इसलिए डिमांड बदल गई, मोड ऑफ लोकोमोशन बदल गया। अगर कोई कुछ डॉग है जो जमीन पे चल रहा है तो वॉकिंग या रनिंग करेगा, उसे ही पानी में फेंक दो तो वो स्विमिंग करने लगता है। तो मोड ऑफ लोकोमोशन चेंजेस और इट डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट एंड डिमांड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। नाउ सारे ही लोकोमोशंस मोमेंट होते हैं, क्योंकि मोमेंट के बिना तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी, लेकिन सारे ही मोमेंट्स लोकोमोशन नहीं, सारे ही मोमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते। मतलब ऑल द लोकोमोशंस आर मोमेंट बट ऑल द मोमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। देन जैसे कि मैं चल रहा हूं तो चलना इज अ मोमेंट, मेरे पैर जो है वो मोमेंट कर रहे हैं और उस मोमेंट की वजह से लोकोमोशन भी हो रहा है। लेकिन मेरे हाथ जो है इस एक्टिविटी में सिर्फ मोमेंट हो रही है, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही, इसलिए सारे ही मोमेंट लोकोमोशन नहीं होते, लेकिन सारे ही लोकोमोशंस मोमेंट होते हैं। देन सिग्निफिकेंस क्या है? तो फूड की तलाश में जानवर घूमते वो लोकोमोशन है, पानी की तलाश में जानवर घूमते लोकोमोशन है, शेल्टर, मेट एंड मेटिंग ग्राउंड से सुटेबल मेटिंग पार्टनर एंड सेफ मेटिंग ग्राउंड को ढूंढना, ये भी लोकोमोशन से होता है। देन अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि मैंने कहा जंगल में आग लग गई या जंगल जो है वो पानी में बहुत ज्यादा बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, वो पानी जंगल में चला गया, तो कंडीशन अगर अनफेवरेबल है तो वहां से भागते जानवर, तो अनफेवरेबल कंडीशन से एस्केप होके फेवरेबल कंडीशन में आने के लिए भी लोकोमोशन की जरूरत होती है। प्रेडेटर्स और एनिमीज से एस्केप होने के लिए भी लोकोमोशन की जरूरत होती है। टाइप्स ऑफ मोमेंट, मोमेंट के टाइप्स क्या होते हैं? तो एनसीईआरटी में पहला जो टाइप दिया है उसका नाम है अमीबॉइड मोमेंट। अमीबॉइड मोमेंट, तो इसका नाम देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि अमीबा में होता होगा। तो आप ठीक समझे हो लेकिन अधूरा समझे हो, मतलब ये अमीबा में होता है लेकिन सिर्फ अमीबा में ही होता है ऐसा नहीं है। जैसे कि ये हमारे WBC में भी होता है अमीबॉइड मोमेंट। तो क्या है अमीबॉइड मोमेंट? कोई एक सेल है जिसको आप अमीबा ले लो या हमारा WBC ले लो। मैंने कहा था कि साइटोप्लाज्म को सेल चाहे जिस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से सेल क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करता है। उससे होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का जो है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, नाजुक अस्त प्रचंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये अंदर से आने वाली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बाहर की तरफ प्रोजेक्शंस निकालता है। ये जो प्रोजेक्शंस है
ये क्यों निकले हैं? क्योंकि अंदर से साइटोप्लाज्म उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश कर रहा है, और इन प्रोजेक्शंस को कहा जाता है, याद रखना वर्ड ये, सिडो सिडोपोडिया। इन प्रोजेक्शंस को कहा जाता है सिडोपोडिया। सिडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फूड। तो दीज प्रोजेक्शंस आर लाइक अ फॉल्स फूड जिसकी मदद से सेल इन सिडोपोडिया की मदद से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मूव होता है। The moment which occurs with the help of pseudopodia is called as amoeboid moment. अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे cytoplasmic streaming हो रही है, मतलब cytoplasm में waves create हो रहे किसी particular direction में, किसकी मदद से? तो कल का जो या शायद परसों का जो lecture था हमारा, उसमें मैंने cytoskeleton पढ़ाया था आपको, cell the unit of life में। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के जिस लेक्चर में साइटोस्केलेटन पढ़ाया था, उस वक्त मैंने माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में बात की थी कि जो सेल के अंदर ऐसे थिन फाइबर्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से साइटोप्लाज्म एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होता है, और जिससे सिडोपोडिया क्रिएट होते हैं। ये जो सिडोपोडिया है, इनको सिडो यानी फॉल्स और पोडिया यानी फुट क्यों कहते हैं? क्योंकि अंदर से इस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बंद हो गई तो सिडोपोडिया विड्रॉ हो जाते हैं, वो फिर से अंदर आ जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से नॉर्मल पहले जैसा हो जाता है। मतलब ये परमानेंट प्रोजेक्शंस नहीं है, टेम्पररी है, तात्पुरत्या असतात तेवढ्या वेळपुरतं काम करण्यासाठी। सो दीज सिडोपोडिया फॉल्स फूट जो है ये जिस मोमेंट को करते हैं उसे अमेबॉइड मोमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और तीसरा अमीबा। हमारी जो डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी जो है, मैक्रोफेज क्या होता है? तो मैक्रोफेज हमारे बॉडी के फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक मतलब किसी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया, कोई डैमेजिंग सब्सटेंस आ गया तो उसको खाने वाले सेल्स, ये हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम का कॉम्पोनेंट है। और कई सारे मैक्रोफेजेस जो है वो डब्ल्यूबीसी के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, मतलब मॉडिफाइड डब्ल्यूबीसी से मैक्रोफेजेस बनते हैं, या डब्ल्यूबीसी में मॉडिफिकेशन होता है और उन मॉडिफाइड डब्ल्यूबीसी को भी मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और अमीबा ऐसे एग्जाम्पल से जो अमीबॉइड मोमेंट में आते हैं। क्या है अमीबॉइड मोमेंट? साइटोप्लाज्म के पर्टिकुलर डायरेक्शन की स्ट्रीमिंग से वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शंस निकलते हैं और उसे सिडोपोडिया कहा जाता है। सिडोपोडिया की मदद से होने वाली मोमेंट को कहा जाता है अमीबॉइड मोमेंट। सेकेंड टाइप है सीलियरी मोमेंट। सीलियरी मोमेंट नाम देखते ही समझ में आएगा, सीलियरी मोमेंट। तो ऑब्वियसली कि सीलिया की मदद से होने वाली मोमेंट है, ये सीलिया की मदद से होने वाली मोमेंट है। जैसे कि देखो, हमारा ये सपोज कोई एक बंदा है, इसके नाक से जो जाने वाली हवा है या फूड से आने वाला जो फूड खाना है वो एक कॉमन ट्यूब में ओपन होता है। देखो ये नाक है, ये माउथ है उसका, फिर से एक बार ठीक निकालने की कोशिश करता हूं। देखो ये इस बंदे का नाक है और ये माउथ है। नाक से आने वाली हवा और माउथ से आने वाला खाना जिस ट्यूब में ओपन होते हैं, देखो ये हवा यहां पे आई और ये माउथ से फूड यहां पे आया, इस ट्यूब को कहते हैं बच्चों फैरेंक्स। फैरेंक्स जो है ये कॉमन ट्यूब है एयर और फूड के लिए, फूड और कंडक्शन के लिए फैरेंक्स कॉमन ट्यूब है। लेकिन फैरेंक्स के नीचे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलग अलग हो जाता है। आगे वाली ये जो ट्यूब है, ये फैरेंक्स, ये ओपन होती है लैरेंक्स में, और पीछे यहां पे ईसोफेगस होता है। ये ईसोफेगस स्टमक में और स्टमक इंटेस्टाइन में ओपन होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का रास्ता है। आगे की तरफ यहां पे जो ओपन हुआ इसे कहते हैं एल फॉर लैरेंक्स। एल नहीं कहते, लैरेंक्स कहते हैं, जगह नहीं इसलिए लिख नहीं रहा हूं लैरेंक्स, और इसलिए भी नहीं लिख रहा हूं कि ये इस टॉपिक का कंटेंट ही नहीं है। ये जो ईसोफेगस और उससे रिलेटेड डिटेल्स है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के वक्त कवर होंगे, और ये जो लैरेंक्स है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब कवर होंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, इंस्पिरेट की हुई हवा और खाया हुआ खाना जिस ट्यूब में जाता है उसे फैरेंक्स कहते हैं।
फैरेंक्स इज अ कॉमन ट्यूब फॉर एयर एंड फूड, लेकिन उसके बाद वो बायफर्केट होता है, पीछे वाला जो ट्यूब है उसे इसोफेगस कहते हैं और आगे वाला जो ट्यूब है उसे लैरेंक्स कहते हैं। लैरेंक्स जो है वो उसके बाद ओपन होता है एक दूसरी ट्यूब में जिसका नाम है ट्रकिया, जिसका नाम क्या है ट्रकिया। ट्रकिया जो है वो ब्रोंकाई में ओपन होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, और वो जाके ओपन हो जाते हैं लंग्स में, ब्रोंकस ओपन होते हैं लंग्स में। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, याद क्या करना है कि ये जो ट्रकिया है इसके जो सेल्स है बच्चों, ट्रकिया को लाइन करने वाले जो सेल है उनमें सीलिया होते हैं, ट्रकिया को लाइन करने वाले सेल्स में सीलिया होते हैं। इसलिए आप जो सांस अंदर लेते हो उस हवा में अगर पॉल्यूटेंट है, अगर डस्ट पार्टिकल है, अगर धूल मिट्टी है, तो आपने ली हुई हवा जो है उसकी ये धूल मिट्टी और बाकी फॉरेन बॉडीज इन सीलिया में, मैं इसको मैग्निफाई कर देता हूं, ट्रकिया तो समझ में आ गया। तो ये ट्रकिया है और इसके जो सेल्स है बच्चों, इस सेल्स से निकलते हैं सीलिया, ये सीलिया है, ये सेल है और ये उसका सीलिया है। तो ये जो सीलिया है इसमें आई हुई हवा में से डस्ट, फॉरेन पार्टिकल, धूल मिट्टी सब अटक जाती है, सब ट्रैप कर ली जाती है। यहाँ पे एक स्टिकी सब्सटेंस भी होता है म्यूकस, वो स्टिकी सब्सटेंस प्लस ये सीलिया जो है वो धूल मिट्टी को ट्रैप करते हैं। और जब आप स्नीजिंग कफिंग करते हो, जब हुआ तुम्ही स्नीजिंग म्हणजे शिंकतात आणि कफिंग म्हणजे खोकतात, तर हे खोकलने किंवा शिंकने याच्यामध्ये काय होतं की खूप जास्त जोरात हवा बाहेर फेकली जाते ज्या वेळेला आपण शिंकतो किंवा खोकतो, आणि ह्या ज्या सिली आहे ह्या अशा बाहेरच्या बाजूला बीट होतात आणि त्याच्यात अडकलेली सगळी धूळ वगैरे ही शिंकेच्या फॉर्मॅटमध्ये किंवा खोकलण्याच्या फॉर्मॅटमध्ये बाहेर निघते। म्हणजे तुम्ही अशी शिंकली की ती धूळ आणि त्याच्यातल्या सगळेच फॉरेन पार्टिकल जे आहेत ते एका झटक्यात असे बाहेर पडतात, तुमच्या समोर कोणी असेल तर त्याच्या तोंडावर जातात, नसेल तर ऍटमॉस्फिअर मध्ये जातात, पण बाहेर जातात। आणि हे जे आहे हे या मोमेंटला सिलियरी मोमेंट म्हणतात। दूसरा एक्झाम्पल आहे सिलियरी मोमेंट का फॅलोपियन ट्यूब में। बच्चों फॅलोपियन ट्यूब क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखते हो ह्यूमन में, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है यूटेरस से, दिस इज द यूटेरस, देन दिस पार्ट इज वजाइना, दिस इज यूटेरस, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं बच्चों, अब यहां पे ओवरीज होते हैं, दिस इज ओवरी, दिस इज अनदर ओवरी, अनदर ओवरी, और ये फैलोपियन ट्यूब होते हैं। इन फैलोपियन ट्यूब के एंड से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओवरी पर आते हैं, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिम्बरी ओवरी। फैलोपियन ट्यूब के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको फिम्बरी कहा जाता है। अब होता क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गैमेट्स बनते हैं वो ओवरी में बनते हैं, यहाँ पे फीमेल गैमेट बनते हैं। तो ये फीमेल गैमेट किसी एक फिम्बरी के ओपनिंग, यहाँ पे एक ओपनिंग भी होता है फिम्बरी का, ये जो फिम्बरी है यहाँ पे ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग के थ्रू अंदर आ जाता है, इस ओपनिंग के थ्रू, मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं कि ये अगर फिम्बरी है तो ये उसका ओपनिंग है, और यहां से वो फीमेल गैमेट अंदर आ जाता है, अंदर आ गया, अब उसको जाना है इधर यहां पे, और उसके बाद यूटेरस में, यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद अगर वो फर्टिलाइज होता है तो बेबी जो है उस बेबी की ग्रोथ यूटेरस में होगी। तो अल्टीमेटली हम कंसिडर करते हैं कि उसको यहां तक जाना है, तो वो कैसे जाएगा, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं इनके अंदर की लाइनिंग सीलिएटेड होती है, सीलिएटेड होती है, और ये सीलिया इस एग को, इस फीमेल गैमेट को इधर 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 पुश करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कि ये ओवरी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस हिस्से को यूट्रस कहते हैं, इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसे ओविडक्ट भी कहते हैं दूसरा नाम इसका, और ये ओवरी है, ओवरी में बनेगा कौन, तो एग यानी फीमेल गैमेट, तो ये एग या फीमेल गैमेट है, और ये फिम्बरी जो होते हैं इनमें छेद होते हैं, इस छेद में से ये एग अंदर आता है, उसको इधर मूव होना है, इधर माइग्रेट होना है, तो वो करने के लिए यहाँ पे सीलिया होते हैं, और वो सीलिया इसको इधर 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 पुश करते हैं, और इसे ये सेकंड एग्जांपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि ट्रकिया में सीलिएटेड मूवमेंट होता है, सेकंड एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड मूवमेंट होता है। नाउ थर्ड इज, तीसरा टाइप है मस्क्यूलर मूवमेंट्स, इसके नाम में ही है कि मसल से होने वाला मूवमेंट होगा, ये मस्क्यूलर मूवमेंट्स। हमारे में जो मूवमेंट होते हैं
वो मस्कुलर मूवमेंट है, जैसे कि इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूं उसमें मेरा ये जॉ मूव हो रहा है, टंग मूव हो रहा है, आंखें जो है वो ओपन क्लोज हो रही है कंटिन्यूअसली, मैं पैरों से आगे पीछे चल रहा हूं, ये सारे जो, या फिर हाथों की ये जो मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट, ये लिखते वक्त हो या कभी भी, तो ये सारे जो मूवमेंट है ये मस्कुलर मूवमेंट है, जिसपे बोन्स पे अटैच जो मसल्स है हमारे स्केलेटल मसल्स, वो मसल्स काम करते हैं। तो ये मस्कुलर मूवमेंट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ मसल्स, जैसे कि मूवमेंट ऑफ जॉ, स्पीकिंग या टंग मूवमेंट, या फिर लोकोमोशन जो होता है, जैसे कि चलना, भागना, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, ये सारी जो चीजें हम करते हैं वो मसल की मदद से करते हैं। अब मस्कुलर मूवमेंट में होता क्या है बच्चों, सपोज ये कोई एक बंदा है, ये कोई एक लड़का है, तो यहां से उसका हाथ होगा, ओके, तो हम बोन निकाल लेते हैं इस हाथ में, यहां पे एक बोन होता है जिसका नाम होता है ह्यूमरस। इस बोन के बारे में, और नीचे दो बोन होते हैं, इस बोन के बारे में और मसल के बारे में डिटेल्स इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम अगले कुछ लेक्चर्स में। अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि हाथ में बोन होता है, जो कि समझने की जरूरत नहीं, आप फील कर सकते हो वैसे भी। तो ये बोन है, यहाँ पे एक बोन होता है आपके शोल्डर से एल्बो तक, और एल्बो से रिस्ट तक दो बोन होते हैं, उसके आगे भी क्या बोन होते हैं वो आपको इसी टॉपिक में अगले कुछ लेक्चर्स में पता चलेगा। इस बोन पे मसल अटैच होती है, यहां पे ये मसल है। अब इस मसल के मूवमेंट से होता क्या, यहां से वो मसल दिखा रहा हूं मैं, यहां तक गया हुआ है, तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मेरा हाथ ऊपर आएगा, ओके, और नीचे जाने के लिए इधर नीचे से भी एक मसल होता है, वो खींचेगा तब नीचे जाएगा, ऊपर वाला मसल खींचेगा तब ऊपर आएगा, नीचे वाला मसल खींचेगा तब नीचे जाएगा। ये कब होगा, जब मेरा ब्रेन चाहे, मतलब मुझे ऐसा करना है, खाने की एक्टिविटी करनी है या लिखने की एक्टिविटी करनी है या मुझे सिर्फ ये मूवमेंट करना है, ये सारी चीजें हमारा नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है, और उसके बाद हमारे ब्रेन से इसका ब्रेन होगा यहां पे, ये जो ब्रेन है साइड में निकाल रहा हूं, इट डजंट मीन दैट कि वो साइड में है, तो ये जो ब्रेन है जो इसके दिमाग इसके सर में होगा, तो वहां से नर्व आते हैं बच्चों, वो नर्व CNS का मैसेज इस मसल को देते कि भाई कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होना है खाने के वक्त, कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होना है लिखने के वक्त, कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होना है अलग अलग मोमेंट या ये मोमेंट करना है। ये सारा कौन डिसाइड करता है, आपका ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं, कुछ ब्रेन से आते हैं, और वो जब मसल को देगा, मसल को ये मैसेज देगा तब मसल काम करेगा। तो इसमें कितने सिस्टम इन्वॉल्व है याद रखना, अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हो गई, पैरालिसिस के बारे में आपने सुना ही होगा, पैरालिसिस जो होता है उसमें क्या डैमेज होता है, उसमें नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, और काम कौन नहीं करता, मसल काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते, क्योंकि मसल्स को काम करने के लिए नर्व्स या नर्वस सिस्टम से सिग्नलिंग की जरूरत होती है, नर्वस सिस्टम जब तक सिग्नलिंग ना दे तब तक मसल काम नहीं करते हैं। कौन से, स्केलेटल मसल, आपके हार्ट के मसल कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं वो अगले लेक्चर में पता चल जाएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं तीनों टाइप के मसल पढ़ाने वाला हूं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, लेकिन अभी जब तक आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्डर नहीं देता है, जब तक आपका न्यूरॉन में से मैसेज इसको डिलीवर नहीं होता है मसल को, तो ये काम नहीं करते हैं, तो वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो मस्कुलर मूवमेंट के लिए तीन सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है बच्चों, एक जो मैंने अभी कहा नर्वस सिस्टम, दूसरा मस्कुलर सिस्टम, ये मसल से बना हुआ सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और तीसरा बोन्स का सिस्टम। कौन सा सिस्टम है बोन का, स्केलेटल सिस्टम। मतलब मस्कुलर मूवमेंट के लिए तीन सिस्टम का इन्वॉल्व होना जरूरी है, बिना बोन के मसल कुछ नहीं कर सकता। आप इमेजिन ही कर लो कि हमारी जो बॉडी उसमें से सारे बोन हटा दिए और मसल रहने दिए, तो हम लोग ऐसे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, हम लोग जमीन पे कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये जो रिजिडिटी फर्मनेस है बॉडी को, ये बोन की वजह से, उसके ऊपर मसल्स है, और मसल को काम करने के लिए कौन ऑर्डर दे रहा है, नर्वस सिस्टम दे रहा है। तो नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, और आगे हम इस टॉपिक में मस्कुलर मूवमेंट पे ही डिटेल बात करने वाले हैं। अब है
लास्ट इज फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट फ्लैजेला की मदद से होता है। फ्लैजेलर मूवमेंट इधर ले लेता हूं, क्या बता रहा हूं मैं, फ्लैजेलर मूवमेंट जो है ये फ्लैजेलर मूवमेंट फ्लैजेला की मदद से होता है। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है स्पर्मेटोजोआ यानी ह्यूमन स्पर्म जो है उसमें स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का अगर डायग्राम देखते हो तो मैंने लाइसोजोम पढ़ाते वक्त भी बताया था ये कि स्पर्मेटोजोआ में ये जो एंड वाला हिस्सा है इट इज इक्विवेलेंट टू फ्लैजेलम, ये फ्लैजेलम जैसा है और इसकी मोमेंट से इसकी मोमेंट की वजह से स्पर्म जो है वो स्विम कर पाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक में और उसके बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो दिस इज द फ्लैजेलर मोमेंट, ये फ्लैजेलर मोमेंट है इसका, ये फ्लैजेलर फ्लैजेला है और इसकी मदद से स्पर्म मूव करते हैं। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल स्पंज। स्पंज जो होते हैं, स्पंज में क्या है, सपोज ये बॉडी है स्पंज का, किसी एक स्पंज का एक बॉडी है और इसमें यहां पे ऐसे सेल्स है, तो ये सेल्स है सपोज स्पंज भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, 11th का ही वो टॉपिक है, इसमें स्पंज दिए गए हैं। अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि स्पंज जो है ये उसकी बॉडी की कैविटी है। तो होता क्या, आसपास जो पानी होता है उस पानी को अंदर मूव कर लेते हो, अंदर ले लेते हैं स्पंज उनकी बॉडी में। अब इसके लिए कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसमें से एक है फ्लैजेला। उनके जो फ्लैजेलम है वो आसपास के पानी को बीट होके आसपास के पानी को अंदर पुश कर देते हैं। पानी अंदर आ गया कि पानी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसे ये सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके, और सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो टॉक्सिन्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको पानी में छोड़ देते हैं। और एक बार ये एक्सचेंज हो गया, पानी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट डाल दिए कि स्पंज पानी को बाहर फेंक देते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कि ये अगर स्पंज है तो उसका फ्लैजेलम और बाकी कुछ फैक्टर होते हैं, ये फ्लैजेलम है सपोज यहाँ पे, ये फ्लैजेलम है तो ये आसपास के पानी को अंदर पुश करते हैं, अंदर पानी को पुश कर दिया कि पानी से न्यूट्रिएंट सेल एब्जॉर्ब कर लेंगे और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट पानी में डाल देंगे, इससे ये एक्सचेंज हो गया कि पानी को बाहर फेंक दिया जाता, तो ये भी फ्लैजेलर मोमेंट है। तीसरा युग्लिना। युग्लिना युग्लिना जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और मैंने 2 से 3 बार कहा है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्ट कहा जाता है, तो युग्लिना इज द प्रोटिस्ट। और युग्लिना में भी फ्लैजेलम होता है, युग्लिना में भी फ्लैजेलम होता है, और ये फ्लैजेलम जो है ये फ्लैजेलस जो है ये युग्लिना में मोमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहां पे 4 टाइप के मोमेंट कंप्लीट होते हैं। पहला है सिलियरी मोमेंट जिसमें सीलिया होते हैं उस ट्रकिया में और फैलोपियन ट्यूब में। उससे भी पहले मैंने अमीबॉइड मोमेंट के बारे में कहा था कि भाई सेल है, सेल के साइटो प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जगह जगह पे बाहर प्रोजेक्ट होता है, उसे सिडोपोडिया कहते हैं। सिडोपोडिया की मदद से वो मोमेंट कर लेते हैं और बाद में सिडोपोडिया फिर से अंदर ले लिए जाते हैं, फिर से सेल मेम्ब्रेन जो है वो नॉर्मल पहले के जैसा होता है, इसलिए टेम्पररी प्रोजेक्शन है, इसलिए उनको सिडोपोडिया कहा जाता है, फॉल्स फुट कहा जाता है। तीसरा था मस्कुलर मोमेंट। मसल ये एक्टिविटी करने के लिए मेरे ब्रेन से यहाँ पे नर्व गया हुआ है और वो मसल को बोल रहा है कि ये एक्टिविटी करनी है। नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो मसल जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो मस्कुलर मोमेंट में मसल, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स, और तीसरा नर्वस सिस्टम का होना जरूरी है। फ्लैजेलर मोमेंट में स्पर्मेटोजोआ, युग्लिना और तीसरा था स्पंज, याद रखना है। और एक बार यहां पे एक बार रब कर लेता हूं मैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कोई मोमेंट अगर बॉडी को डिस्प्लेस कर दे तो उसे लोकोमोशन कहा जाता है। तो मोमेंट के लिए जो ऑर्गन्स लगते हैं या जो ऑर्गन मोमेंट करते हैं, क्या उन्हीं ऑर्गन से लोकोमोशन हो सकता है या लोकोमोशन के लिए अलग सेट लगता है ऑर्गन्स का, मतलब सेम ऑर्गन मोमेंट बाकी नॉर्मल मोमेंट और लोकोमोशन कर सकते हैं या नहीं। द आंसर इज यस ऑब्वियसली। मतलब मैं यहां पे हाथ यहां पे मूव कर रहा हूं तो ये मोमेंट है, और इन्हीं हाथों से मैं स्विमिंग करूंगा वो लोकोमोशन है, इन्हीं हाथों से मैं क्लाइंबिंग करूंगा वो लोकोमोशन है। तो मोमेंट और लोकोमोशन सेम सेट ऑफ ऑर्गन से हो सकता है। जैसे कि मान लो ये पैरामीशियम है और पैरामीशियम में यहां पे उसका साइटोफेरेंस यानी ओपनिंग होता है, माउथ होता है, और ये साइटोफेरेंस के पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे सीलिया होते हैं, सीलिया होते हैं। तो पैरामीशियम एक्वेटिक होता है, उसके आसपास पानी होता है, तो सिमिलरली वो स्पंज की ही तरह
ये भी पानी अंदर मुंह कर लेता है। अगर उसमें फूड या बाकी कुछ मिलता है, उसको ऐसा लगे कि इस पानी में फूड है, तो ये सीलिया की बीटिंग करता है। ये जो सीलिया है वो ऐसे पानी को इस तरफ पुश करते हैं और इस ओपनिंग से वो पानी अंदर आ जाता है। क्या कह रहा हूं मैं कि द बीटिंग ऑफ सीलिया अराउंड द साइटोफेरेंस। अब यहां पे तो ये सीलिया ये पैरामीशियम अगर है तो उसका ये ओपनिंग है, यहां पे इसे साइटोफेरेंस कहा जाता है। इट इज जस्ट लाइक माउथ ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे कौन है? सीलिया है। आसपास पानी होता है, ये सारे सीलिया है बॉडी पे। तो यहां पे सपोज उसको फूड मिल गया, कुछ फूड पार्टिकल इस पानी में, तो ये सारे सीलिया क्या करेंगे? इस पानी को अंदर की तरफ पुश करेंगे। ये दे विल बीट रिदमिकली, और उस बीटिंग की वजह से ये पानी अंदर की डायरेक्शन में पुश होगा, और अंदर की डायरेक्शन में पुश होने के बाद यहां पे फूड अंदर आ जाएगा। अब पैरामीशियम को यहां पे आसपास कुछ नहीं बचा है खाने लायक, तो पैरामीशियम को यहां से डिस्प्लेस होना जरूरी है अगर जिंदा रहना है। तो यही सीलिया उसको स्विमिंग में मदद करेंगे और पैरामीशियम एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। इसे कहते हैं लोकोमोशन। तो यहां पे सीलिया की ही मदद से मोमेंट भी हुआ, पानी को अंदर लेना इज जस्ट मोमेंट, और पैरामीशियम की बॉडी डिस्प्लेस करना इज अ लोकोमोशन। दूसरा एग्जांपल है, कौन है ये? ये है हाइड्रा। ये है हाइड्रा, और हाइड्रा के जो ऊपर के प्रोजेक्शन है इन्हें कहा जाता है टेंटैकल्स। क्या कहा जाता है उन्हें? टेंटैकल्स। तो अब ये जो टेंटैकल्स होते हैं हाइड्रा के, ये सपोज टेंटैकल्स है हाइड्रा के, तो यहां पे अगर कोई प्रे आ जाए, खाने लायक चीज आ जाए, या कोई छोटा ऑर्गेनिज्म आ जाए जिसे खा सकता है, तो दिस टेंटैकल्स विल हेल्प टू कैच दैट प्रे। ये टेंटैकल्स उसे पकड़ लेते हैं और वो खा लेता है उसे। तो ये क्या हुआ? मोमेंट हुआ। अब यही हाइड्रा, इसे ही किसी दूसरी जगह जाना है, तो दिस टेंटैकल्स विल हेल्प टू स्विम और टू मूव द बॉडी ऑफ हाइड्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। मतलब क्या है कि सेम सेट ऑफ ऑर्गन्स कैन बी यूज्ड फॉर द मोमेंट एंड फॉर द लोकोमोशन। लोकोमोशन और मोमेंट के लिए आप सेम सेट ऑफ ऑर्गन्स यूज कर सकते हो। सेम सेट ऑफ ऑर्गन्स से मोमेंट और लोकोमोशन हो सकता है, जैसे कि हमारे लिम्स मोमेंट के लिए भी काम आते हैं और लोकोमोशन में के लिए, लिम्स यानी हाथ और पैर आपके। सो दिस इज इट ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। जिस किसी को डाउट होगा वो कमेंट में पोस्ट करे, या फिर 7972312550 इस नंबर पे आपके डाउट आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।